जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिनभर की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे, पीएम मोदी के दौरे से पहले प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बीजेपी को बताया 50% कमीशन वाली सरकार। तो वहीं सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी के विदेश दौरे का प्लान हुआ तैयार, यूरोप के 3 देशों की करेंगे यात्रा। तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने कर दिया बड़ा ऐलान, 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। तो वहीं वायनाड के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र का किया दौरा। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के मंत्री बनने के बाद यूपी में हुए 183 एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी की मांगली रिपोर्ट। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में तो जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को हटाया था, लेकिन मध्य प्रदेश में जल्द ही 50% कमीशन वाली बीजेपी की सरकार जाने वाली है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया और अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाएगी। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी बीजेपी पर 50% कमीशन की सरकार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वालों के दिलो दिमाग में कमलनाथ के अलावा और कुछ नहीं आता है। आपको बता दें कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को मत देने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लगी है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी के विदेश दौरे का प्लान हुआ तैयार, यूरोप के 3 देशों की करेंगे यात्रा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी सितंबर के दूसरे सप्ताह में यूरोप के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए थे जब संसद से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। आगामी यात्रा के दौरान राहुल गांधी यूरोपीय देशों बेल्जियम, नॉर्वे और फ्रांस के पेरिस का दौरा करेंगे। वे यूरोपीय संसद भी जाएंगे और यूरोपीय संघ के सांसदों के साथ बातचीत भी करेंगे। साथ ही वहां पर प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगे। वहां पर विश्वविद्यालय के छात्रों से भी बातचीत का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि साल 2023 में राहुल गांधी का ये तीसरा विदेश दौरा है। अगली बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा ने कर दिया बड़ा ऐलान, 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2024 का अगला लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। ये बात उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में कही है। रॉबर्ट वाड्रा ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रियंका गांधी 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी के अंदर संसद में जाने के लिए सारी खूबियां हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई से रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी संसद में होनी चाहिए, निश्चित ही उन्हें लोकसभा में होना चाहिए। उनके पास सारी खूबियां हैं, वो संसद में बहुत बढ़िया काम करेंगी, वो वहां पर होने की योग्यता भी रखती हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो संसद जाती हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें स्वीकार करेगी और उनके लिए बढ़िया योजना तैयार करेगी। रॉबर्ट वाड्रा ने संसद में स्मृति ईरानी द्वारा अपनी तस्वीर दिखाए जाने को लेकर भी बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की भी गौतम अडानी के प्लेन में साथ में बैठने की कई तस्वीरें हैं, हम इस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसके बारे में संसद में कई बार सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन बीजेपी उसका जवाब नहीं देती। उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम के लिए लड़ता रहूंगा, अगर वो मेरा नाम लेंगे तो मैं उनसे सवाल करता रहूंगा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि इसके लिए उन्हें सबूत देने होंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, वायनाड के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र का किया दौरा, जोरदार तरीके से हुआ स्वागत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद अब पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे हैं। वो शुक्रवार देर रात दिल्ली स्थित अपने आवास से वायनाड के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी 12 और 13 अगस्त को वायनाड के दौरे पर रहेंगे। केरल
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष वीटी सिद्दीकी ने बताया कि वायनाड पहुंचने पर राहुल गांधी का बड़ी गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया। इसी हफ्ते की शुरुआत में लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी होने के बाद राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई है। आपको बता दें कि जिसके बाद राहुल गांधी पूरे तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर आक्रामक हो गए हैं। संसद में दिए गए राहुल गांधी के भाषण की हर तरफ चर्चा हो रही है। महागठबंधन बनने के बाद बीजेपी बैकफुट पर आती नजर आ रही है। और बड़ी खबर, विपक्षी सांसदों के निलंबन पर तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा प्रधानमंत्री जी इंडिया गठबंधन पर हमला करने से इंडिया नहीं रुकेगा, इंडिया जीत कर रहेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को निलंबित करने के लिए बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर असहमति की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल टीएमसी ने कहा कि लोकतंत्र पर इस हमले से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार असहमति की हर आवाज को दबाने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा कि सांसदों को निलंबित करना, मणिपुर की उपेक्षा करना, असहमति की हर आवाज को दबाने के लिए विशेषाधिकार प्रस्तावों का हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र पर इस हमले से इंडिया नहीं रुकेगा और इंडिया जीत कर ही दम लेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार इंडिया की ही जीत होगी। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बड़ी जीत की ओर कांग्रेस पार्टी। कमलनाथ ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा मेरा नाम जपना छोड़ दे भाजपा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया है। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी बीजेपी पर 50% कमीशन की सरकार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपाइयों के दिलो दिमाग में कमलनाथ के अलावा और कुछ नहीं आता। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर कहा कि भाजपाई आजकल मेरी आस्था और विश्वास की चिंता करते हैं, नए नए शब्द गढ़ रहे हैं, चुनावी पूजा, चुनावी भक्ति, पॉलिटिकल पाखंड द्वारा कमलनाथ का तिलिस्म तोड़ने का दम भर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि भाजपाइयों के दिलो दिमाग में कमलनाथ के अलावा आजकल कुछ नहीं आता, सरकार उसके नुमाइंदे और भाजपाई मेरा नाम जपना छोड़ के जनता का नाम जपें, जनता की भक्ति करें, क्योंकि देश में जनता ही जनार्दन है। आपको बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। कमलनाथ बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। और बड़ी खबर, भारतीय न्याय संहिता बिल को लेकर बीजेपी पर आक्रामक हो गए कपिल सिब्बल। बोले गुलाम बनाने के लिए बदलाव ला रही केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में ब्रिटिश विरासत में मिले कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक पेश किए। इन विधेयकों को लेकर अमित शाह ने सदन में दावा किया कि नए प्रस्तावित कानून में राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है, जबकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। लेकिन उनके इस बिल को लेकर कानून के जानकार अलग अलग राय रख रहे हैं। देश के चर्चित अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तीनों कानूनों में से एक यानी भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कपिल सिब्बल ने प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 को राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने का एजेंडा करा दिया। आपको बता दें कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव लाने वाले विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इससे पुलिस को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजद्रोह का कानून खत्म करा ज्यादा कठोर कानून बनाने की योजना है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अंग्रेजों ने गुलाम बनाए रखने के लिए कानून बनाए, तो ये लोगों को फिर से गुलाम बनाने के लिए बदलाव ला रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि इनका असली मकसद अगला लोकसभा का चुनाव है। और बड़ी खबर, भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर कांग्रेस पार्टी ने भी जताया विरोध। मनीष तिवारी बोले संयुक्त संसदीय समिति का हो गठन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मानसून सत्र के आखिरी दिन पेश किए गए भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कपिल सिब्बल के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि इस बिल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर निकाल दिया गया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से इस बिल की जांच के लिए संसद की एक संयुक्त समिति के गठन की मांग की है। और बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले देश के अंदर भी जहां पर बम गिराने की जरूरत हो तो जरूर गिराना चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में अपने निलंबन के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश के भीतर जहां भी चीन का कब्जा है वहां बम गिरा देना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश के अंदर भी जहां पर बम गिराने की जरूरत हो तो जरूर गिराना।
चाहिए। लद्दाख में उस जगह पर बम गिराना चाहिए जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है, भले ही वो देश के अंदर हो। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप शब्द बोलने पर कांग्रेस नेता को सदन से निलंबित कर दिया गया। ये मामला सदन की प्रिविलेज कमेटी के पास है। सदन में जब उनके निलंबन का प्रस्ताव पारित हुआ था तब अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस और अन्य कई विपक्षी दलों के सांसद मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो सभी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किए जाने के बाद पूरा इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। और बड़ी खबर, अशोक गहलोत के ताबड़तोड़ वादों से घबरा गई भाजपा, राजस्थान में बदलने जा रहा है रिवाज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कांग्रेस पार्टी के लिए मानगढ़ धाम में जबरदस्त रैली की। इसे राहुल गांधी की आदिवासी आउटरीच रैली माना जा रहा था। इसे आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के अभियान की शुरुआत भी समझा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके को आरक्षण के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को लुभाने का एक मंच बना दिया। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के सियासी रण में अभी चुनावी वादे करने में, लोकप्रिय और लुभावनी घोषणाएं करने में बीजेपी से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी काफी आगे निकल गई है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के कर्ज माफी का भी वादा कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के वादों से भाजपा पूरे तरीके से घबरा गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलने वाला है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली अध्यादेश पर नहीं की वोटिंग, मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात, फिर भी इंडिया की तीसरी मीटिंग में शामिल होंगे जयंत चौधरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी ने गुरुवार को एनडीए में शामिल होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उनकी पार्टी ने कहा कि वो मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक में हिस्सा लेंगे। सियासी गलियारों में एनडीए का दामन थामने की अफवाहें तब फैली थी जब आरएलडी ने बीते दिनों राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल यानी दिल्ली अध्यादेश पर वोटिंग के दौरान हिस्सा नहीं लिया था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। इसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले चुनावों में आरएलडी एनडीए गठबंधन का दामन थाम सकती है, लेकिन अभी ऐसी किसी घटना से उन्होंने इनकार किया है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने सिरे से खबरों को खारिज कर दिया है कि वो एनडीए में शामिल होंगे। उनकी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो मुंबई में होने वाली विपक्ष की तीसरी बैठक में हिस्सा लेंगे। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी की महिला नेता सना खान की पीट पीट कर हत्या, पति ने नदी में फेंक दी लाश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी की महिला नेता सना खान की हत्या का खुलासा हो गया है। सना खान की हत्या उनके पति अमित उर्फ पप्पू साहू ने की है। इस बात का खुलासा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की पुलिस और महाराष्ट्र के नागपुर जिले की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में किया है। आरोपी पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि सना खान की हत्या करने के बाद उसके पति ने उसकी लाश नदी में बहा दी। सना खान अमित से मिलने के लिए नागपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर गई थी, वहां पर से दो दिन के भीतर लौटने वाली थी, लेकिन वो वापस नहीं आई, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई और फिर जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई। और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में हुए 183 एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी की मांग ली रिपोर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से ये बताने के लिए कहा है कि 2017 के बाद से राज्य में हुई 183 कथित मुठभेड़ों से संबंधित मामलों की जांच कहां तक पहुंची। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इन सभी मामलों के जांच की स्थिति को लेकर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5-10 लोगों की सुरक्षा में अति कैमत की हत्या की घटना पर भी सवाल उठाया और कहा कि कोई कैसे आकर गोली मार सकता है। पीठ ने इस हत्याकांड में किसी की मिलीभगत पर भी संदेह जताया है। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।